पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक पर हो गया है। उन्होंने कहा कि जो कदम भाजपा सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज 40,000 शिक्षकों की जगह खाली है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। वहीं उन्होंने जेबीटी, अविश्वास प्रस्ताव और क्षति आपूर्ति विधेयक पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हमें पता था अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। मैंने कहा था कि ये जनप्रतिनिधि प्रस्ताव के साथ ही जनता की नजर में गिरेंगे। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल का शासन चंडीगढ़ से पंचकुला तक सिमटा हुआ है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। 3 लाख से बच्चे हैं जो इंतजार में। देखिए, बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर एक हो गया और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इनसे वो इसकी और तेजी से और बेरोजगारी बढ़ेगी। आज जो ये कह रहे हैं कि हम जेबीटी हमारे पास आते हैं तो स्कूल ही बंद कर रही है, स्कूल बंद, 1047 तो स्कूल बंद कर दिए और जो टीचर और उसकी प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स की उसको करना चाहिए ठीक ढंग से। और आज 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जगह खाली है, लाखों सैंक्शन्ड पोस्ट जो है इसमें हरियाणा में खाली है। बेरोजगारी खत्म करने का एक कदम यही है, सब पोस्ट भरो और पूरी बोलो स्कूल, जैसे किसान मॉडल स्कूल 9 थे वो पूरे बन के तैयार हैं, स्टाफ नहीं, इसी प्रकार से अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं। तो ये सरकार के जो कार्यशैली है उससे हर वर्ग जो अभी मुख्य है। और जो आप कह रहे थे अविश्वास प्रस्ताव की बात, जब हमने पेश किया उस टाइम में मैंने कहा था यहाँ तो बहुमत हमारे को मालूम है, आपका बहुमत है, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारा प्रस्ताव गिरेगा लेकिन लोगों के निगाहों में आप गिर चुके हैं। और यही कारण है जो पहले का इनको मतलब कोई पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो लोगों के निगाहों में गिर चुके हैं। सरकार है तो खुद कैद है, कहा था ना यहाँ से पालम तक की सरकार। मैंने कहा था शाह आलम मरौली तब पालम, तो मतलब शाह आलम आज मरौली से पालम, तो शाह आलम थे उनका राज्य सिर्फ मरौली से पालम तक रह गया था। इसी प्रकार से यहाँ मैंने कहा था मनोहर लाल जी के जो शासन है वो आज चला, यहाँ 26 जनवरी को पानीपत फहराना था दिया जा रहे पंचकुला है। तो ये स्थिति है, सरकार समझनी चाहिए। बजट में बिल्कुल कर्जे में डुबाने का काम किया है प्रदेश को, आज प्रदेश के पास कर्जा इतना हो गया, अगर यही स्पीड से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा बैंक्रप्सी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जितना रेवेन्यू रिसीप्ट है उनका 54% तो कर्जे में और उसके ब्याज में जा रहा है, 40% जो है वो तनख्वाह और पेंशन में जा रहा है, बच गए 5%। तो इसका मतलब है सरकार को कोई भी काम करे, बड़ी बड़ी बातें करे, हमने ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा लेके ही करेंगे। ये चार वाक की नीति पे जो चल रहे हैं, मैंने कहा भाई चार वाक की नीति पे मत चलो। चार वाक कहता था कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद देखा जाएगा। तो मैंने पर जवाब दे हो तुम यार। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।